आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के द्वारा आज ग्राहक पंचायत पखवारे के अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रैली सासी मंदिर स्कूल के स्टूडेंट के साथ स्कूल से दशमेश द्वार मदन महल तक निकाली गई। रैली का उद्देश्य बेटियों को पढ़ाना और उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। एक बेटी जब पढ़ती है तो उसका पूरा परिवार समझदार होता है और प्रशासन से ये मांग है ग्राहक पंचायत की देश में लोगों को सिर्फ शिक्षा और चिकित्सा फ्री दे जिससे हमारा देश विकसित हो। जी आज अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के माध्यम से पखवाड़े के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रैली निकाली गई है। हर वर्ष निकाली जाती है। इसका उद्देश्य होता है बेटियों को पढ़ाने पढ़ाने देना, बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार देना। इसी संदर्भ में आज हमने रैली निकाली है और यहाँ के स्कूल का जो है बहुत ज़्यादा सहयोग रहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो रैली के माध्यम से हमने लोगों को ये बताया है कि बच्चों को पढ़ाने पर जोर दें, क्योंकि एक बेटी जब पढ़ती है तो उसका पूरा परिवार साक्षर होता है और बेटी जब पढ़ती है तो उसके पूरे समाज के साथ भी कदम से कदम मिलाकर चढ़ पाती है। आजकल जो चल रहा है कि समाज इतना आगे जा रहा है, बेटियाँ नंबर वन पर काम कर रही हैं, वो फ्लाइट भी चलाती हैं, वो ट्रेन भी चलाती हैं, वो गाड़ियाँ भी चलाती हैं, तो अब वो प्रथा से बहुत आगे आ चुकी हैं जहाँ पर है। लेकिन अभी भी कुछ जगह पर ऐसा है जहाँ बेटियों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है, इसी वजह से ये रैली जो निकाली जाती है। और आज भी मतलब ये इतना आगे बढ़ने के बाद भी समाज की एक दुर्दशा ये भी है जो दूसरा पक्ष है कि आज आप कोई भी अखबार उठा लीजिए, रोजाना कोई ना कोई खबर आ जाएगी कि किसी बच्चे को किडनैप कर लिया, किसी बच्चे के साथ रेप हो गया। अत्यंत ही दुखद स्थिति है। बच्चों को बाहर निकलते हैं तो बच्चों की काफ़ी चिंता होती है ऐसे में, तो समाज जो है अग्रसर हो, समाज के साथ साथ बच्चों के साथ साथ बच्चियों के साथ साथ वो बच्चे भी जो पढ़ रहे हैं वो भी ये बीड़ा उठा लें कि हम बच्चों की रक्षा करेंगे। जो कम से कम साथ में जाते हैं तो साथ में चल भी सकें तो उन्हें सुरक्षा महसूस होती है कि उनके साथ कोई है। तो मैं ये भी कहूँगी कि भाई समाज इसमें जागृत हो, बच्चों का बच्चों को शिक्षित करें, और अगर यही दुर्दशा रही तो ये होगा तो बेटियों को पैदा करने से भी लोग कतराएंगे। तो मैं अपनी दो लाइनों से अपनी बात खत्म करूँगी। जी भाजी बताइए, आज अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत द्वारा सरस्वती शिक्षा मंदिर गुप्त प्रेम नगर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे के साथ एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें नारी चेतना को बढ़ाने के लिए हमने प्रयास किया है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ग्राहकों के हितों के लिए काम करती है। इस संदर्भ में समाज में जागरण के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं। उसी तारतम्य में हमारा एक ग्राहक पंचायत पखवाड़ा चल रहा है, उसके अंतर्गत यह कार्यक्रम हुआ जिसमें आदरणीय प्रचार जी ने और छात्राओं ने छात्रों ने सभी ने हमारा सहयोग किया है और इस तरीके से हमने आज रैली का आयोजन किया। आप आनंद नेमा विधि प्रमुख ग्राहक पंचायत महापुर चक्रवर्ती, मैं कक्षा 9वीं आर्थिक छात्रा हूँ। आज हम सब ग्राहक पंचायत समूह से इकट्ठा हुए हैं। यहाँ बात की जा रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर बेटी है तो कल है। आज के समय में ऐसी बहुत सी घटनाएं होती कि बेटियों को पढ़ने नहीं मिलता और कई ऐसी घटनाएं होती कि बेटियों को घर से बाहर जाने के विषय में भी रोक लगाई जाती है। इसलिए हम हमें आपका नाम आपका नाम नंदिनी चक्रवर्ती है। बेटा आज हमारे स्कूल में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत संस्था द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया है और इसके अंतर्गत बेटियों को शिक्षा दिलाने, उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और नारी शक्ति को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के समाज में बेटियों को पढ़ने के लिए अभी भी बहुत लोग ही ऐसे हैं जो रूढ़िवादी धारणा रखते हैं कि बेटियों को नहीं पढ़ना चाहिए, उन्हें पुरुषों से कमतर होना चाहिए। लेकिन इस संस्था द्वारा ऐसे समाज के लोगों को जागृत किया जा रहा है जिससे वे भी बेटियों को पढ़ाएं और हम तो देख ही रहे हैं कि आज बेटियां किस तरह समाज के अव्वल दर्जे को समाज में कितनी ऊंचाइयों तक बढ़ रही हैं। आपका नाम? वासुपासी कक्षा। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।